बदायूं में रोडवेज बस में सफर के दौरान एक चालक से पीतल नगरी रोडवेज बस चालक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जहां एक ओर सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन समाज में छुपे कुछ लोग आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। छेड़छाड़ की घटना उस वक्त हुई जब छात्रा पेपर देकर जनपद संभल के चंदौसी कॉलेज से वापस अपने घर जाने के लिए रोडवेज बस में बैठी सफर कर रही थी। सफर के दौरान जिस सीट पर छात्रा बैठी थी उससे ठीक आगे रोडवेज बस चालक की सीट थी। आरोप है कि बस चालक ने मोबाइल में अपना नंबर डायल कर उसे दिखाया, लेकिन चालक को मोबाइल नंबर दिखाना महंगा पड़ गया। छात्रा ने उसकी करतूत मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और अन्य यात्रियों को उसकी हरकत बताई। फिर क्या, यात्रियों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर जमकर उसकी धुनाई कर दी। सर रोडवेज की ड्राइविंग करता हूँ। क्या हुआ आज? सर हुआ ये था कि मैं फोन पे बात करके ना फोन अपना मैंने यूं रख लिया था, उसमें नंबर डायल था सर, समझे? तो उन लड़कियों को ऐसा लगा कि जैसे मैं उनको नंबर दे रहा हूँ, जबकि मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। आप उनसे पूछ लीजिए। कौन लड़की थी? वो लड़कियाँ स्कूल की थी सर, उनको मैंने पैराडाइज से पिकअप किया था, पैराडाइज से, जबकि रोडवेज से नहीं बैठी थी। हाँ, चंदौसी पैराडाइज से, समझे? उन्होंने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली उनको, वो बैठ गई। पहले वो पीछे जा रही थी, फिर वो सबसे आगे आके बैठ गई, समझे? फिर उसके बाद मैं सर मैं बदायूं जा रहा था रूट पे अपने, मैंने सर फोन पे कॉल की, कॉल करने के बाद मैंने फोन यूँ रख दिया। उन्होंने पता नहीं क्या वीडियो बनाई, क्या दिखा रही थी, यहाँ पे लड़के इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने फोन पे, और उन्होंने सर ये मुझे आते ही सर मानना शुरू कर दिया। किसने? लड़कों ने। कहाँ पर? सर यही रोडवेज पे ही एकदम। कहाँ, कौन सी जगह? बिसौली रोडवेज। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हम आपको बदायूं जनपद के नगर कोतवाली बिसौली रोडवेज बस का बता रहे हैं। वहीं घटना की सूचना के बाद छात्रा के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस आरोपी पीतल नगरी डिपो के बस चालक को लेकर पुलिस चौकी पहुंची, जहां बस चालक और उसके परिजनों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और समझौता की बात कहने लगा, लेकिन छात्रा के परिजनों ने उसकी एक ना सुनी और पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर नगर में बहादुर छात्रा की प्रशंसा की जा रही है। लोगों का कहना है कि इससे कार्रवाई होना आवश्यक है, जिससे आगे इस तरह की जो हरकतें हैं वो दोबारा सामने ना आ सकें।